प्रदेश का शासन प्रबंध दो बच्चे चुनाव के दिन आपस में बातचीत कर रहे हैं आज तो स्कूल की छुट्टी है समझ में नहीं आया कि क्यों सुना है आज विधानसभा का चुनाव है देखो दादाजी इधर ही टहलते हुए आ रहे हैं बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो आज स्कूल की छुट्टी है तो खेलने चले आए तो फिर खेलो कैसे खेलें यहाँ तो बड़ी भीड़ है क्या हो रहा है यहाँ बेटा आज विधानसभा का चुनाव है ये क्या होता है इसके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है अच्छा देखो सब लोग अपना मत देने के लिए आ रहे हैं चलो हम भी अपना मत देते हैं बहुत मजा आएगा तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारी उम्र अभी मतदान करने की नहीं हुई है जब तुम अठारह साल के हो जाओगे तो ही तुम मतदान कर सकते हो ओ तभी मेरा कोई दोस्त यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हाँ सही कहा देखो लोग लाइन में लग रहे हैं दादाजी चुनाव जीत कर ये लोग क्या करेंगे ये अपनी सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे इन जीते हुए लोगों में से ही कोई मंत्री बन जाएगा और कोई मुख्यमंत्री हाँ कुछ दिन पहले मैंने लोगों को चुनाव प्रचार करते देखा था बहुत लोग थे वहाँ हाँ मैंने भी देखा था क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे क्षेत्र की समस्याओं को कौन सुलझाता है मेरे पापा और मेरे पड़ोसी सुलझाते हैं <laughs> नहीं नहीं वो लोग तो छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाते हैं विधायक जिन्हें जनता चुनती है वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाते हैं तो उनको इसके बारे में पता कैसे चल जाता है वे लोगों से बात करते हैं और समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं ये लोग हमारी भलाई के लिए कानून बनाते हैं तभी आज सुबह मेरे परिवार के लोग जल्दी उठकर तैयार हो रहे थे और पापा बोल रहे थे आज वोट डालने जाना है तो क्या चुनाव से ही सब कुछ होता है देखो किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलने के लिए एक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है इसमें से चुनाव भी एक है हमारा संसद तीन व्यवस्थाओं से चलता है व्यवस्थापिका यानी विधानसभा या विधान परिषद कार्यपालिका यानी के राज्यपाल मंत्रिपरिषद और विभागों के अधिकारी और न्यायपालिका व्यवस्थापिका कानून बनाती है कार्यपालिका कानून के अनुसार कार्य करती है और न्यायपालिका न्याय करती है आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी अभी कुछ कहना मुश्किल है कुछ दिन बाद इसका परिणाम आ जाएगा कुछ दिनों बाद आज मतों की गिनती है देखो क्या होता है वाह लगता है वह पार्टी जीत गई लोग खुशियाँ मनाने लगे हैं। उनके हाथों में कमल के फूल वाला झंडा है हाँ यह भारतीय जनता पार्टी है मैं भी इसी का समर्थक हूँ तो चलिए मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ जरूर चलो जो चाहे खा लेना तुम लोग